हाँ जी हाँ तो नमस्कार जी। आप, मैं गायत्री जी को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर उज्मा, पर चलो कोई नहीं, अब मीना जी का इशारा आ गया है। तो डॉक्टर गायत्री कालिया को अब हम सब जान ही गए हैं, जो नहीं जान गए वो अब जान ले कि ये आयुर्वेदा की PhD भी हैं और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। इनका अपना यहाँ पर बहुत बड़ा पंचकर्मा सेंटर है, पर वो आजकल कोविड करके बंद है। लास्ट टाइम इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से अपनी जो ये तालीम हासिल की है, नेदरलैंड्स में एज लेक्चरर काम करती रही हैं, इंडिया में भी करती थी ये काम एज लेक्चरर आयुर्वेदा की। और कोविड के दौरान अब हम सब ने जान लिया है कि हम जो है नेचर से जितना अपना इलाज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो शायद मेडिसिन्स, हमें मेडिसिन्स तो जरूरी है ही है, पर नेचर की तरफ अब हम वापस जा रहे हैं। और कोविड ने हमें बहुत कुछ वापस जाने पे मजबूर किया है। और मैं समझती हूँ कि जैसे अभी उस दिन बात हो रही थी ऑर्गेनिक फूड की या कुछ इस तरह की चीजें, तो ये सब नेचर की तरफ वापस जाने की बात है, जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज हो रहे। सो ये नेचुरल चीजों से और किस तरह से अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को और समझ करके आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, नेचुरल तरीके अपना के, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करके, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो हमने पिछली बार बहुत फायदा उठाया था, आज हम और भी फायदा उठाएंगे। सो गायत्री जी, ये सीनियर्स का ग्रुप है, तो क्योंकि सीनियर्स की इश्यूज थोड़े से अलग होते हैं, उनकी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी अलग होती है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को कैसे दुरुस्त रखना है और एजिंग में उनको किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है एज के साथ साथ, क्योंकि एजिंग तो सबकी होती रहती है ना, उसमें तो रोक नहीं सकते। तो ये उसके लिए हम आपसे आज कुछ चाहते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम, इस्तकबाल, स्वागत और थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच मीता जी, थैंक यू ऑल। आप सबने दोबारा मौका दिया मुझे कि मैं आयुर्वेद के एंगल से आप सबको कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए ला सकूं। सो आई होप आज का सेशन भी आपके काम का होगा और आप लोग उसमें से कुछ चीजें अगर अपनाएंगे, आपकी एजिंग ज्यादा ग्रेसफुल होगी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, क्योंकि आयुर्वेद इस चीज को ये मानता है कि जो एजिंग है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर हम इसी चीज को एक्सेप्ट कर लें पहली चीज, और आने वाले चैलेंजेस को आराम से अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने माइंड मेकअप के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करके उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचें, तो मेरा ये मानना है कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। और आयुर्वेद में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आधे से ज्यादा चीजें तो हमारी नॉलेज हमारी किचन से ही आ जाती है। हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारी मदर्स ने हमें कितनी नॉलेज दी हुई है, और उससे ज्यादा अगर कुछ हर्ब्स के बारे में और टिप्स के बारे में मैं बता सकूंगी तो आप सबके लिए आई वुड बी मोर देन हैप्पी। सो स्टार्ट करते हैं एजिंग से कि एजिंग में चेंजेस आते हैं। तो हम सभी मानते हैं कि हम रिटायर हो गए या हम हमारी एज हो गई 60+ हो गए, तो अब खत्म, अब काम वाम नहीं करना है या फारिक हो गए, अब टेंशन नहीं लेनी है, इस टाइप से हमारा, मेजोरिटी लोगों का मैंने देखा है, जो सीनियर लोगों का ये एटीट्यूड होता है। एक्चुअली जो आयुर्वेद या वेदों में जो ज्ञान है उसके हिसाब से जो एजिंग प्रोसेस है उसमें ये कहा गया है कि आपने मटेरियल चीजों से रिटायर होना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच होना है, लेकिन काम से रिटायर नहीं होना है। पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट टिप, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू स्टेट टू ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमने ये कभी नहीं सोचना कि हमारी एज हो गई तो हमने काम नहीं करना। आपने काम करना है, और कभी भी, हाँ, काम की इंटेंसिटी या काम की जो
बहुत ज्यादा इंडल्जेंस है वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन काम जरूर करते रहना, इस बॉडी से काम लेते रहना है, दिमाग से काम लेते रहना है, नई चीजें भी सीखनी है, ये नहीं सोचना कि लै हुन इतनी उम्र होगी, हुन की सीखना, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कोई वो सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो कोई और आपकी हॉबी हो, कोई पैशन हो, बल्कि ये सोचना है कि अब तो मेरे पास टाइम है अपने लिए, अब तो मैं अपने आप को डिवोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपनी हेल्थ, अपना हॉबी, अपने शौक, अपनी तरह से जिंदगी जीने का मेरे पास टाइम है, तो उसको इंजॉय करके और ईश्वर का शुक्र करके जिंदगी को जीना है। तो रिटायरमेंट ओनली फ्रॉम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मीन्स टू मच अटैचमेंट टू फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो आपका घर हो फिजिकल, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस हो, चाहे वो आपकी बैंक बैलेंस हो। सो कहना आसान है, लेकिन जितनी इजीली अगर आप उस चीज से अपने आप को थोड़ा 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 एवरीडे बेसिस पे डिटैच करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको मेंटल पीस ज्यादा मिलेगा, आप ज्यादा खुश रहेंगे, आप ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जितना ज्यादा टेंशन में रहेंगे, चीजों से अटैच रहेंगे, लोगों से अटैच रहेंगे, अपने आप से अटैच रहेंगे, उतना ज्यादा बेमतलब की परेशानियां और स्ट्रेस में उलझे रहेंगे, हर समय फिकरमंद रहेंगे और हेल्दी एजिंग नहीं हो पाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द यू नो, आप डेली बेसिस पे ऐसा क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया मेंटल एटीट्यूड, ठीक है ना, जिसका होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका जो मेंटल हेल्थ होता है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल करता है, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को कंट्रोल नहीं करती। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, यानी ये फिजिकल बॉडी, इंद्रिया मीन सेंसोरियल बॉडी, मन मतलब साइकोलॉजिकल एंटिटी, एंड आत्मा मीन्स स्पिरिचुअल एंटिटी। तो आपका जो माइंड है वो आपके स्पिरिट के साथ, आपके सोल के साथ, आपकी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है बहुत क्लोजली, जो कि ईश्वर की ओर आपको लेके जाता है, जो कि लिबरेशन और हायर थॉट प्रोसेस की तरफ आपको लेके जाता है। जितना ज्यादा नीचे की चीजों से डिटैच होंगे, यानी फिजिकल वर्ल्ड से आप डिटैच होंगे, उतना इजिली आप गॉडली हेवन या पीस ऑफ माइंड या वो उस रास्ते पे चल पड़ेंगे जिससे कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकेंगे, ठीक है। सो मेंटल एटीट्यूड बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले और इतनी देर से मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। अब बात आती है फिजिकल बॉडी और उसका टेक केयर करने की। तो एक जनरल रूटीन या एक डेली रेजिमन की बात हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज आप डिफरेंट लोग बैठे हैं, सबकी प्रकृति अलग अलग भी हो सकती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, किसी को जोड़ों की दर्दें होंगी, किसी को शुगर होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को नींद नहीं आती होगी, किसी को डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स होंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एजिंग के, है ना। सो अभी हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम पहले बात करेंगे कि इन जनरल आफ्टर 40-50 या जब भी हमें लगता है कि अब हम हमारे अंदर उतनी जान नहीं है या हम उतने वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो हमें इन जनरल भी क्या करते रहना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। तो सबसे पहले तो आप जल्दी सो के उठेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी जो वाइज लोग होते हैं, मैं एजड लोग नहीं कहूंगी, मैं वाइज लोग कहूंगी, क्योंकि एज के साथ बुद्धि बढ़ती है, कम नहीं होती है, मेरा ये मानना है। सो जो वाइज लोग होते हैं वो वैसे भी सुबह जल्दी ही उठते हैं और जल्दी सोते हैं, ठीक है। आप जल्दी उठे, ठीक है, अराउंड सनराइज के आसपास आप उठे कंफर्टेबली। उठने के बाद आपने क्या करना है, बेड पे ही बैठे बैठे ना आपने कुछ स्ट्रेचेस करने हैं, कुछ इजी स्ट्रेचेस करने हैं, जिसको हम योग की लैंग्वेज में बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करनी है, जैसे कि स्ट्रेचेस ऑफ योर नेक, स्ट्रेचेस ऑफ योर हैंड्स, शोल्डर्स, टांगों को स्ट्रेच करना है, धीरे धीरे उंगलियों को करना है। तो ये एक जेंटल सूक्ष्म क्रियाओं का कुछ सेट है, आप यूट्यूब से लर्न कर सकते हैं,
आप किसी योगा टीचर को ज्वाइन करके उनसे सीख सकते हैं। 10-15 मिनट अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेड पे ही बैठे बैठे थोड़ा चार्ज अप करना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो, आपकी बॉडी थोड़ी सी चार्ज हो जाए। एकदम से उठ के चलना नहीं है, अचानक उठ के खड़े होके जमीन पे पैर नहीं रखना है, जेंटली, ठीक है। जब आप उठ गए, धीरे धीरे आप फिर वॉशरूम की तरफ जाएंगे, आप वॉशरूम से फ्री होंगे। कॉन्स्टिपेशन है भी तो भी घबराना नहीं, उसकी भी रेमेडीज मैं बताऊंगी, ठीक है। आप फ्री हो गए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग का मतलब मुंह के अंदर सेसमी ऑयल या कोकोनट ऑयल थोड़ा सा गुनगुना करके, ना हल्का सा गुनगुना करके उसको मुंह में ऐसे भरना, ठीक है, और भर के उसको थोड़ी देर स्विश करना। जैसे हम अपने आयुर्वेद में कवल और गंडूष टर्मिनोलॉजी होती है एक्चुअली, सो ऐसे थोड़ी देर उस तेल को भर के रखना मुंह में। दिस इज एक्सीलेंट फॉर योर टीथ, योर गम्स, योर ओरल हेल्थ। आपके माउथ में जितने बैक्टीरिया होते हैं या कोई और टॉक्सिन्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे वो उस ऑयल में आ जाते हैं। आपने थोड़ी देर उसको ऑयल को ऐसे होल्ड करके रखना है। एक तो इससे रिंकल्स भी कम होते हैं, सो फॉर ऑल लेडीज इट इज वेरी गुड टू नो। एजिंग साइंस भी फेस पे इससे थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो ये जितनी देर, कब तक करना है, जब तक कि आपकी आंख से पानी ना आने लग जाए, मतलब आप थक ना जाओ, आपके फेशियल मसल्स बोलें कि बस अब नहीं मैं होल्ड कर सकती, तो फिर आपने उसको जो है स्पिट आउट करना, उसको अंदर नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उसने क्लीन किया है उसको, माउथ को। आपने उसको स्पिट आउट कहाँ करना है, अपने गार्बेज बिन में करना है, अपनी सिंक में नहीं करना, नहीं तो ऑयल से आपकी डक्ट्स जो है वो सारी ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी डेली बेसिस पे, है ना। ये हो गया, इसके बाद आपने फिर अपना क्लीन अप वगैरह होके आप आओगे किचन में, और आपने एक वार्म ड्रिंक तैयार करना है अपने लिए, ठीक है। वार्म ड्रिंक का मतलब इट कैन बी अ हर्बल टी। सो मेजॉरिटी लोगों को ये हर्बल टी सूट करती है मॉर्निंग में। उसमें क्या लेना है, आपने एक कप पानी में थोड़ा सा जिंजर उबालना है, अदरक कद्दूकस करके थोड़ा उबाल लेना है। जब वो उबल जाएगा छान के, उसमें थोड़ा सा हनी डालना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हनी नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा कुछ बूंदे एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने हर्बल टी विदाउट एनी शुगर, विदाउट मिल्क, विदाउट पत्ती, ये वाली हर्बल ड्रिंक आपने पहले पीनी है, सीधा ही चाय नहीं पीनी, ठीक है जी। ये आपने हर्बल ड्रिंक पी, इससे क्या होगा, आपकी अग्नि स्टिमुलेट होगी। अग्नि का मतलब आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी, वो एनहांस होगी, वो बेटर होगी। आपकी जो, आप जो भी कुछ देर के बाद, 2 घंटे के बाद कुछ खाएंगे, वो इजीली डाइजेस्ट होगा, ठीक है। अब आपने ये पी लिया ड्रिंक, उसके बाद भी आप एक कप और गर्म पानी पी सकते हैं, ठीक, 2 कप भी पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। पी लिया आपने गर्म पानी, फिर आपने क्या करना है, 1 घंटे के लिए मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, प्रॉपर योगा एंड प्राणायाम करना है बिना नागा, ठीक है जी। सो बिकॉज विदाउट दिस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव अ ग्रेसफुल एजिंग। एजिंग को ग्रेसफुल बनाने के लिए आपके कपड़ों में ग्रेस नहीं चाहिए, आपकी जुत्ती में ग्रेस नहीं चाहिए, आपकी आत्मा, आपके मन और आपके शरीर में अंदर से ग्रेस होना चाहिए। और वो कहाँ से आता है, वो एक अच्छी सोच से आता है, योग से आता है और प्राणायाम से आता है। जो लोग नहीं मानते, आप देखिए लोगों के टेस्टिमोनियल्स, आप हैरान रह जाएंगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति से किया गया योग और प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे आपकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं प्रॉफिट के लिए, वैसे ही शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए एवरीडे बेसिस पे हम योग और प्राणायाम करके इन्वेस्ट करते हैं, जिसका रिटर्न 100% प्रॉफिट के साथ एश्योर्ड है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, मैं आपको बताऊंगी, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, जो जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है, तो आप यूट्यूब पे डालिए योगा फॉर डायबिटीज,
उसको कनेक्ट कीजिए अपने टीवी के साथ, मैट बिछाइए, नहीं बैठ के कर सकते सोफे पे करो, काउच पे करो, चेयर पे करो, अब तो चेयर योगा भी आ गया, मॉडिफाइड वर्जन फॉर एल्डरली पीपल, ठीक है। सो वो करेंगे, जैसे शोल्डर पेन है तो आप डालेंगे योगा फॉर शोल्डर पेन, तो आपको टीचर्स पॉप अप होंगे, जो पसंद आता है सो उनसे सीखिए। ऑनलाइन क्लासेस आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने लिए, पर्सनल ट्यूटर हायर कर सकते हैं, जो काम आप पहले नहीं कर सकते थे वो सब काम अब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, आपके पास अपना पैसा है, आपके पास अपना स्पेस है। सो एक्चुअली यू आर द लकीएस्ट जो कि अपने लिए अपने मर्जी से चीजें कर सकते हैं। सो एक घंटा व्यायाम, योग और प्राणायाम। प्राणायाम सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाई, क्यों? बिकॉज प्राणायाम करके आप 100% ऑक्सीजन जो भगवान ने आपको फ्री में दी हुई है ना, आप उसको अंदर इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, अलग अलग टेक्निक्स हैं, उसकी डिटेल में आज हम नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन उसको आप जब करते हैं तो वो ऑक्सीजन सीधा आपके ब्रेन में जाती है, आपके बॉडी के एक एक सेल में जाती है। मोर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू द बॉडी लीड्स टू इजी हीलिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। कोई भी दुनिया की बीमारी हो, उसको हील होने के लिए, किसी भी इंफ्लेमेशन को कम होने के लिए बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम सब जानते हैं आयुर्वेद में उसको प्राण वायु, प्राण शक्ति कहा जाता है, ठीक है। जब आप बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं जो कि इजीली आराम से कितनी भी दर्दों में भी हो सकती हैं, सोफे पे चेयर पे बैठ के भी हो सकते हैं, इसलिए उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। You have to be honest with yourself. आपका अपने से कमिटमेंट होना चाहिए और आपको एडिक्शन होनी चाहिए कि मैंने एक घंटा योग और प्राणायाम एवरी डे करना ही है, ठीक है जी। अब वो हो गया, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, ठीक। ब्रेकफास्ट आपका जो होगा ना, कोई ठंडा ब्रेकफास्ट आप नहीं करेंगे। Why? ठंडा ब्रेकफास्ट मतलब जैसे बच्चे आपके या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन स्मूदीज बना रहे हैं अपने लिए ठंडी, है ना, कोई ग्रीन स्मूदी पी रहा है, कोई फ्रूट स्मूदी पी रहा है, कोई दूध में बनाना शेक बना के पी रहा है, तो आप कहते चल मेनू भी दे दे एक ग्लास। नो, यू विल नॉट हैव एनीथिंग कोल्ड, रिमेम्बर। रीजन इज कि जो 60 के बाद की एज है उसमें वात दोष बढ़ता है। यंग बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी अग्नि प्रबल है, उनमें वात दोष बढ़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद हम सब में वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष का मतलब बॉडी में दर्दें बढ़ जाती हैं, डीजनरेशन बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो फिर हमने ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना, स्पेशली बिगिनिंग ऑफ द डे में कभी भी ठंडा ब्रेकफास्ट नहीं करना, ठीक है। अब करना क्या है, फिर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने आटे का सेवन या ग्लूटन का सेवन कम से कम करना है अपने दोनों, या जो भी आप मील प्लान बनाएंगे अपने डे का। सो रीजन इज कि जो ग्लूटन होता है या आटा होता है, कनक का आटा, वो इन्फ्लेमेशन को जल्दी ठीक नहीं होने देता। रीजन इज जो यहाँ के आटे हैं वो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत ज्यादा है, तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो अब आटे को छोड़ के हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास ओट मील का ऑप्शन बहुत अच्छा है। सो स्टील का ओट्स लीजिए, उसको गरम कीजिए, उसमें थोड़े नट्स डाल दीजिए, रेजिन्स डाल दीजिए, गरम गरम दलिया, ठीक है। आप इंडियन दलिया भी ले सकते हैं, क्योंकि वो होल व्हीट है, उसको प्रोसेस नहीं किया गया है कंपैरेटिवली, है ना। सो ओट्स का ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओट्स जो है कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, एक एडिशनल उसमें शक्ति है कि वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सो वार्म ओट मील पॉरेज आप ले सकते हैं। जो लोग एग्स खाते हैं वो कभी कभी एग्स भी ले सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, देयर इज नो नीड टू टेक ब्रेड, ठीक है। ग्लूटेन तो होता है ना, वो आटा जो होता है हमारी इंटेस्टाइन में थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ You are muted. हो गया आपका, अनम्यूट कर लीजिए।
सारे कितना तड़प दे हैं। अभी भी नहीं, इतना जबरदस्त बता रही है ना। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है अनम्यूट के लिए। ओके सो कोई मुझे बताएगा मुझे कहां तक सुना आप लोगों ने? एग्स एंड वेजीज। एग्स एंड वेजीज, ओके गुड। सो द ब्रेकफास्ट कैन बी एग्स एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को भी कच्चा नहीं खाना है, आप सॉटे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बेक कर सकते हैं बेकिंग ट्रे में, आप थोड़ा स्टीम कर सकते हैं, ठीक है जी। सो एग्स एंड वेजिटेबल्स इज एन एक्सलेंट ब्रेकफास्ट बट नॉट एवरी डे। वीक में दो दिन कर लो, एक दिन कर लो, अकॉर्डिंग टू योर डाइजेशन। जिनको सूट नहीं करता वो इसको स्किप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वार्म ब्रेकफास्ट में अगर आपने बिल्कुल ही बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करना है और आपको लगता है कि आपकी आज बिल्कुल भूख नहीं है और कुछ नहीं खाने का मन है, आप एक और दो एप्पल्स लो, उनका छिलका निकाल के उसको कट करो और उसको बेक कर दो या उसको कुक कर दो थोड़ा सा। जैसे कि आपको याद है आपने अपने ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर को एप्पल कुक करके कभी खिलाया होगा, ठीक है। सो आप यू आर नाउ बिकमिंग लाइक योर ग्रैंड चाइल्ड, है ना, विद योर हेल्थ ऑफ द गट, विद द हेल्थ ऑफ योर टीथ एंड एवरीथिंग एल्स इनसाइड। तो आप भी कुक्ड एप्पल्स खा सकते हो, इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। वार्म कुक्ड एप्पल्स topped with some raisins, some soaked almonds, some flax seeds, some pumpkin seeds over it. जिनको constipation है वो soaked chia seeds भी डाल सकते हैं ऊपर से। तो जो अच्छे nutritious seeds या dry fruits में जैसे raisins और figs आ जाते हैं, ये आप अपने breakfast में include कर सकते हैं, बजाय इसके कि ठंडी स्मूदी में डालने के, आप गरम दलिये में या गरम ओटमील पॉरेज में या आप अपने एप्पल्स में जो कुक कर रहे हुए हैं उसमें ऊपर से डाल के खा लीजिए। सो न्यूट्रिशन भी मिलेगा और जो आप खाओगे वो इजीली पच भी जाएगा, ठीक है। अल्प या मिताहारी रहना है, ये एक थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है। मिताहारी का मतलब मीता वाली आहारी नहीं, इट्स मिताहारी, कम अल्पाहारी। बिकॉज क्या है, एक सर्टेन एज के बाद हमारा डाइजेशन हो जाता है वीक, हम सब जानते हैं। अब हम वो खाने नहीं खा सकते जो हमारे बच्चे खाते हैं या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन खाते हैं, है ना। बाहर का खाना, हैवी खाना, तला हुआ खाना हम नहीं खा सकते, हम नहीं पचा सकते। सो हाउ टू कोप विद इट, हम जो खाएं वो इजिली डाइजेस्टेबल हो, वो गर्म हो, वो ताजा बना हुआ हो और हमारी भूख से कम, ये इसका फंडा है। जितनी भूख है उससे हमेशा थोड़ा सा जगह छोड़ के थोड़ा कम खाना है और बिना भूख लगे नहीं खाना है। फिर जब आपकी अग्नि प्रबल होगी और तब खाओगे तो आपको खाया पिया सब हजम हो जाएगा। और अगर आपने अग्नि प्रबल हुए बिना इसलिए खा लिया कि हाँ अब लंच टाइम हो गया हूं की करना, चलो मैं एक रोटी अंदर सुट लेनी हूं, चल कोई गल नहीं लिया कुड़िए तू की बनाया मेनू भी दे दे, राइट। ऐसे काम नहीं करने हैं। यू आर द स्पेशल मोस्ट एंड द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द हाउस। आपकी जरूरत सबको है, सबसे ज्यादा आपको और आपके पार्टनर को है, इसलिए आप वो सब कुछ नहीं लेंगे फॉर ग्रांटेड जो आपके लिए नहीं बना है। आप वही लेंगे जो आपकी गट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए सही है, ठीक है जी। आवर गट इज नॉट अ गार्बेज बॉक्स जिसमें हम कभी भी कुछ भी डालते हैं या बची हुई प्लेट में से बचा हुआ खाना उन्हें नहीं खादा चल मेनू दे मैं खा के मुका देनी है। नो, यू विल नॉट डू दिस एनी मोर। एज अ मदर आपने बहुत साल किया होगा लेकिन एज अ ग्रैंड मदर अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है जी। ओके सो यू हैड अ नाइस वार्म ब्रेकफास्ट, ठीक है, और ब्रेकफास्ट के बाद आप अपना और जो भी डेली रूटीन है, कुछ आपकी हॉबी है, कुछ चैट करना है, कुछ मेल्स के जवाब देने हैं, कुछ भी आपने सोशलाइज करना है आप कीजिए, लेकिन एकदम से वॉक नहीं करना, एकदम से ठंड में नाश्ता करके या खाना खाके चलना नहीं, थोड़ी देर बैठना है, कुछ पाठ पूजा करनी है तो वो कीजिए,
कुछ सोशलाइज करना है तो वो कीजिए, कोई हॉबी है, कोई म्यूजिक है, कोई और कुछ लर्न करना है, कुछ कंप्यूटर सीखना है, वो कीजिए, लेकिन आपने एकदम से चलना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद अगर आप वॉक पे जाना चाहते हैं, जैसे आजकल वेदर अच्छा है, दिन में धूप निकलती है, आप वॉक के लिए निकलिए, नेचर में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, पेड़ों से बातें कीजिए, नेचर को देखिए, उसको एडमायर कीजिए, अपने घर को सजाइए, अपने आप की टेक केयर कीजिए, अपने चेहरे पे कोई बढ़िया सा फेस पैक लगाइए, ठीक है, मींस फील गुड अबाउट योरसेल्फ, पैम्पर योरसेल्फ, शाम की तैयारी कीजिए, कुछ मेन्यू प्लान कीजिए, अपने पार्टनर के साथ बातचीत कीजिए, मींस जस्ट एंजॉय योर टाइम ऑफ द डे, बेस्ट वुड बी एटलीस्ट सम टाइम ऑफ वॉकिंग आउटसाइड, एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे, दिन के टाइम आप थोड़ा बहुत एक दो घंटे के बाद वॉक पे निकल जाइए, ग्रैंड चिल्ड्रन को पढ़ाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अगर वो आपके पास हैं, इफ यू आर लकी इनफ टू हैव देम अराउंड यू, दैट वुड बी आल्सो अमेजिंग। दिन में सोना नहीं है, ठीक है ना, सोना नहीं है रजाई लेके, लेकिन नैप लेनी है, तो दोनों में फर्क होता है, एक होता है कि दो घंटे के लिए रजाई लेके सोना, एक होता है कि 15-20 मिनट के लिए आंखें बंद करके थोड़ी देर बॉडी को ढीला छोड़ना, ताकि बॉडी थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि रेस्ट मोड में चली जाए, सो दैट इज अलाउड, क्योंकि उससे आप एनर्जी रिचार्ज करते हैं। हाँ, अगर आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लो है, या हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होके आए हैं, या आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो है, आयरन बहुत लो है, या कोई और क्रॉनिक इलनेस एकदम से आपको बहुत ज्यादा टाइम से घेर के बैठी हुई है, तब आप दिन में सो सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। नैप लेनी है, नैप जरूर लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जब चाय पीने का टाइम होता है, वहां हर समय आपने इंडियन चाय या कॉफी या टिम हॉर्टन्स वाला जो वो एक लाइफस्टाइल है वो फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक थिंग, सो डोंट टेक मी अदरवाइज, आई एम सेइंग कि बहुत कुछ हेल्दी और उससे बेटर ऑप्शंस आप अपने घर में ले सकते हैं जो कि इजी होते हैं। जिन लोगों को गैस होती है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है, पेट में अफारा है, कब्ज है, खाना हजम नहीं होता है, भारीपन रहता है कि नाश्ता में थोड़ा जाए कितना मेरा पेट भारा है, है ना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप क्या करो, 1 लीटर पानी अपने लिए दिन भर के लिए बना लो, वो मेडिकेटेड पानी होगा, शायद पिछले सेशन के लोगों को याद होगा मैंने बताया था, वी कॉल इट CCFT, CCFT इज क्यूमिन कोरिएंडर एंड फेनल टी, क्यूमिन मीन्स जीरा, कोरिएंडर मीन्स धनिया, फेनल मीन्स सौंफ, आपने तीनों बीज एक एक चम्मच ले लेने हैं, जरूर बना के देखिएगा ये टी, 1 लीटर पानी में ये डाल देना है, ये एक्चुअली वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के लोगों को सूट करता है, तीनों तरह की प्रॉब्लम्स में भी ये कामयाब है ये ड्रिंक, एक एक चम्मच डाल के 10 मिनट इसको पका लेना है पानी को, और सारा दिन गर्म पानी ये वाला पीना है, सिप सिप करके, पानी की जगह आपने ये वाला पानी पीना है, लेकिन सिप सिप करके पीना, एक बार में गटकना नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी डाइजेशन स्ट्रांग होगी, जो गैसेस अननेसेसरी ब्लोटिंग करती हैं, पेट में टाइटनेस करती हैं, एसिडिटी करती हैं, वो नहीं बनेगा। ये आपने दिन भर में, चलो जब भी आपको प्यास लगी आपने ये पानी पी लिया, थोड़ा सा आप मोबाइल हो गए, थोड़ी सैर भी कर आए, थोड़ी गपशप भी कर ली, पाठ भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आपकी आई शाम की बारी। डिनर करने से पहले अगर कुछ आप वार्म और पीना चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगी आप ना अपना मील प्लान ऐसे रखें कि आपने सिर्फ 2 टाइम भोजन करना है, 3 टाइम नहीं करना। सो ये जो पहले के जमाने में जो भोजन का व्यवस्था थी, वो क्या होती थी कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले 2 टाइम ही मील होते थे, ठीक है। हम में से मेजॉरिटी लोग शायद 2 टाइम ही भोजन करते हैं, जो कि अच्छी बात है, 3 टाइम खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ना उतना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं,
ना हमें यहाँ पे उतना पसीना आता है और ना ही हम अपनी एनर्जी को उतना यूटिलाइज कर पाते हैं कि 3 टाइम हम खाना खाएं। अब 2 मेजर मील ही आपने लेने हैं, तो 2 मेजर मील में जो दूसरा मेजर मील होगा वो एक्चुअली टेक्निकली अंग्रेजों की भाषा में हम उसको लंच बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो दूसरा मेजर मील होगा, वही आपका डिनर होगा। तो आपने उसको 5 बजे के आसपास ले लेना है। नॉर्मली बाकी की फैमिली 7, 7:30, 8 बजे खाएगी, आपने 5 बजे के आसपास अपना डिनर ले लेना है। चाहे आपको रात में कितनी मर्जी भूख लगे, आप लिक्विड कोई ले सकते हो, लेकिन आपने खाना सॉलिड कोई ग्रेन्स वाला या अनाज वाला नहीं लेना रात में। उसके बाद अनाज जो लेना है वो आपने अराउंड 5 o'clock ले लेना। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू दिस कंट्री एंड दिस इकोलॉजी अराउंड अस, ठीक है। सो उसमें क्या आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने गेहूं कम लेना है, सो गेहूं कम लेंगे तो कनक की रोटी कभी कभी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना है, एक संडेज को बना ली या हफ्ते में एक दिन खा ली। अदरवाइज आपने कभी कभी बाजरे की रोटी खानी है, कभी किनुआ खाना है, कभी चावल खाने हैं, कभी आपने खिचड़ी खानी है, कभी आपने दाल और बाजरे को ग्राइंड करके रात को भिगो के उसका चीला बना के खाना है, कभी बेसन का चीला खाना है। लाइक यू हैव टू चेंज द ग्रेन्स। अब स्पेसिफिकली तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स के हिसाब से बता सकती हूँ, टू बी ऑनेस्ट सबके लिए अलग अलग ग्रेन्स भी हो सकते हैं। कि डायबिटीज वाले के लिए जैसे बाजरा बहुत अच्छा है, ठीक है, जौ बहुत अच्छा है, जिसको आर्थराइटिस है उसके लिए भी बाजरा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जौ जो है वो ठंडा पड़ेगा। जिसकी बॉडी की तासीर गरम है उसके लिए जौ अच्छा है, जिसकी बॉडी की तासीर में बॉडी में जकड़ाहट ज्यादा है, ठंड ज्यादा लगती है, दर्दें होती रहती हैं, उसके लिए बाजरा एक्सीलेंट है, सुपर फूड है उसके लिए बाजरा, ठीक है ना। अगर किसी को डायबिटीज है तो भी बाजरा सुपर फूड है। सो आपने अलग अलग ग्रेन्स भगवान ने बनाए हैं, बाजरा बनाया, जोवार बनाया, जौ बनाया है, चावल बनाए हैं, किनुआ बनाया है, ओट्स बनाए हैं, आपने सबको थोड़ा थोड़ा खाना है, कभी कोई खा लिया कभी कोई खा लिया, सिर्फ एक गेहूं पे ही स्टिक नहीं करना है, है ना। सो बट गेहूं भी खाना है, आई एम नॉट सेइंग कि टोटली उसको ओमिट करना है। ये आपकी रोटी या इसका बेस का कुछ भी आपका फूड हो गया, खिचड़ी हो गया, चीला हो गया, कुछ भी हो गया, साथ में आप ये याद रखना है कि आपने वेजिटेबल्स खूब खाने हैं और वेजिटेबल्स भी कुक्ड खाने हैं, सैलड नहीं ज्यादा लेनी, कच्ची सलाद बोल भर के नहीं खानी है, फ्रिज में रखी हुई कटी हुई पुरानी सैलड नहीं खानी है, प्याज कटा हुआ 15 मिनट से ज्यादा कटा हुआ प्याज पुराना नहीं खाना है, प्याज काट के फ्रिज में नहीं रखना है कभी भी, ठीक है। लहसुन का प्रयोग खूब करना है, ठीक है, लहसुन जो होता है या गार्लिक जो होता है वो एंटी एजिंग होता है, बिकॉज वो दर्दें भी कम करता है, बॉडी में वॉर्म्थ लेके आता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ब्लड वेसल्स के लिए बड़ा अच्छा है। सो लहसुन का प्रयोग खूब करना है। जिनको दर्दें हैं वो जिंजर का भी प्रयोग करें, और अगर एसिडिटी ज्यादा है तो जिंजर का प्रयोग कंट्रोल में करें। एसिडिक चीजों से, आर्टिफिशियल चीजों से, प्रोसेस्ड चीजों से, डब्बा बंद चीजों से, कैंड चीजों से सश्री अकाल नहीं यूज करनी, बिल्कुल भी नहीं यूज करनी। जस्ट डोंट बाय थिंग्स विच हैव आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इन देम, जिसमें रंग पड़े हुए हैं, जिसको कैन किया गया, जिसको पहले से बना के रखा गया, या इवन कुकीज, कुकीज भी कब के बने होते हैं और शेल्फों में पड़े होते हैं, कभी इमरजेंसी है तो ले लिया, बट कोशिश करना है कि ये सब फूड्स नहीं खाने हैं, है ना। जब भी बनाना है फ्रेश बनाना है और तब खाना है, ठीक है। अच्छा हाँ, इन बिटवीन हमने चाय की बात नहीं की, शाम को जो हमने ड्रिंक लेना है वो क्या लेना है। तो ड्रिंक की बात आती है तो जो मेल्स होते हैं, आई थिंक एक दो मेल लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो उनको उनका इंटरेस्ट होता है कि हम अल्कोहल की बात जरूर करें, तो वो पूछते हैं कि हम अल्कोहल ले सकते हैं।
देखिए अल्कोहल में क्या है ना, आयुर्वेद में बताया गया कि अल्कोहल इज गुड टू सम एक्सटेंट, बट सम एक्सटेंट का मतलब ओनली 30 ml पर डे. 30 ml का मतलब 5 या 6 चम्मच गर्म पानी में डाल के, ठीक है. और इट्स फॉर पीपल हु आर टेकिंग अल्कोहल ऑन अ डेली बेसिस. इतनी सी अमाउंट में अल्कोहल लोग रोक नहीं पाते हैं. लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो रेगुलर वाला वाइन या उसका दौर शुरू हो जाता है, विच इज एक्सट्रीमली बैड. फिर वो आपके ओज को काटना शुरू कर देता है, वो आपकी एजिंग के मतलब एजिंग को फास्ट करना शुरू कर देता है अल्कोहल. इसलिए इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन दैट यू आर एडिक्टेड टू. लेकिन अगर दवा के तौर पे लेना चाहते हैं विंटर्स में तो अराउंड 20 ml इज अलाउड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. फिर वो चैनल्स को खोलता है, विच इज ओके, विच इज फाइन, ठीक है. लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं लेना है, ठीक है जी. सो यस अगेन यू कैन हैव अ वार्म टी. अब वार्म टी में क्या ऑप्शन ले सकते हैं, जिनको तो एंग्जाइटी है बहुत ज्यादा, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, लोनली फील करते हैं, तो उनको दो तरह की टीज मैं बता रही हूँ वो लेनी चाहिए, मार्केट से मिल जाती है इजिली. एक है कैमोमाइल टी, CHAMOMILE, कैमोमाइल टी, विच इज वेरी गुड फॉर एंग्जाइटी. एक दो दिन में नहीं पता चलता उसका असर, बोला मैं पीती मैंने तो नहीं, कोई टेंशन का टी. सो इट्स नॉट अ मैजिक टी, इट टेक्स टाइम. सो रेगुलर बेस पे आप पीना शुरू करोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं अब थोड़ा सा टेंशन कम लेती हूँ, आई फील बेटर, लाइट फील करोगे. एक होती है वेलेरियन टी, VALERIAN. वेलेरियन टी इज वेरी गुड फॉर स्लीप, जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, विच इज वेरी कॉमन आफ्टर सम एज, क्योंकि टेक्निकली आपका जो ब्रेन है वो रेस्टिंग मोड में थोड़ा कम जाता है. सो उस समय उन लोगों को वेलेरियन टी पीनी चाहिए शाम के समय, या डिनर के बाद भी पी सकते हैं, घंटे बाद भी पी सकते हैं. जिन लोगों को दर्दें होती हैं, जैसे जिनको लगता है कि वो वेजिटेरियन थे, कैल्शियम सोर्स बहुत ज्यादा नहीं ले पाए, दूध भी आजकल मना करते हैं, पिए मतलब लें क्या, फिर कैल्शियम के तौर पे बॉडी को चाहिए तो क्या लें, है ना. नॉन वेज खा नहीं सकते, अंडे खा नहीं सकते, तो कैल्शियम आर्टिफिशियल खाते हैं तो कब्जी हो जाती है, हड्डियों में दर्दें हो रही हैं, डॉक्टर कहता है कैल्शियम खाओ, कैल्शियम कहाँ से पूरी करें. क्या करना है, आपके घर में ही किचन में चार चीजें आपने लेनी है, ठीक है. क्या क्या लेनी है, एक लेने हैं तिल, सेसमी सीड्स. आपके बालों को हमेशा वो बढ़िया रखेंगे सेसमी सीड्स, आपके दांतों को बढ़िया रखेंगे, आपकी हड्डियों को बढ़िया रखेंगे. एसमी सीड ले लेने 100 ग्राम. 100 ग्राम लेने आपने फुल मखाने. फुल मखाने जो गोल गोल से पॉपकॉर्न जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट वाले होते हैं, वो मीठे मखाने नहीं लेने, प्रसाद वाले, ठीक है. सो फुल मखाने ले लेने 100 ग्राम. 100 ग्राम आपने ले लेने खसखस, पॉपी सीड्स, वो भी बहुत बढ़िया एनाल्जेसिक होते हैं, दर्दें भी कम कर देते हैं, वो ले लेने हैं, ठीक है. और 100 ग्राम ले लेने बादाम. इन चारों चीजों को आपने अलग अलग थोड़ा सा ना रोस्ट कर लेना है कढ़ाई में, हल्का सा घी डाल के. मखानों को तो जरूर घी लगेगा, नहीं तो मखाने कढ़ाई में चिपक के खराब हो जाएंगे. रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके एक मिक्सचर बना के एयर टाइट कंटेनर में रख दो, डाइनिंग टेबल पे सजा दो. शाम को या सुबह या रात को दिन में एक बड़ा चम्मच उस मिक्सचर का जरूर 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 लेना है. दैट्स प्योर कैल्शियम, 100% कैल्शियम, वेरी गुड फॉर बॉडी पेन्स एंड एक्स. ग्रेजुअली धीरे धीरे बॉडी में एनर्जी आती है उसको लेने से. अब उसके साथ विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है. अगर आपने विटामिन डी पूरा नहीं लिया तो टेक्निकली वो जो कैल्शियम है वो वेस्ट है, वो आपकी हड्डियों में जाएगा ही नहीं, है ना. तो विटामिन डी का आप हेल्थी प्लैनेट से, हेल्थ स्टोर से विटामिन डी के ड्रॉप्स ले सकते हैं. नॉर्मली एक ड्रॉप या एक गोली 1000 इंटरनेशनल यूनिट की आती है, लेकिन आपको दो गोली चाहिए या 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स के आपको इक्विवेलेंट ड्रॉप्स लेने चाहिए मिनिमम, है ना. क्योंकि
एक सर्टेन एज के बाद आपकी बॉडी को वाइटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। सो 2 ड्रॉप्स और साथ में 1 बड़ा चम्मच उस पाउडर का, और अगर आपको दूध हजम हो जाता है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट इट डाउन, अगर दूध हजम होता है तो ही गरम दूध लेना है हल्दी डाल के, नहीं तो नहीं। यूजली दूध प्रॉब्लम करता है, यहाँ का दूध गैस करता है, अफारा करता है, ब्लोटिंग कर देता है, तब दूध नहीं लेना है। सो कोशिश करना है कि दूध में वो आदत छोड़ देनी है, वो मोटा गाढ़ा 3% 4% वाला दूध नहीं हजम होगा अब आपको। बच्चों के लिए रहने दो, अपने लिए आप 0% मिल्क लो, ऑर्गेनिक मिल्क लो, ग्रास फेड काउ का मिल्क लो, है ना। कम पियो चीज, कम खाओ चीज, लेकिन अच्छी खाओ चीज, चाहे वो कोई भी चीज बनाओ, कोशिश करो कि जितना हो सके अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप ऑर्गेनिक चीजें ही लो, ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक दूध, खासकर दूध। सब्जियों में फिर भी चलेगा लेकिन दूध में नहीं चलेगा, ठीक है। सो दूध आप 0% दूध लेंगे, और उस दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून से ज्यादा हल्दी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हल्दी पका लीजिए, वो हमारा गोल्डन मिल्क होगा। एक चुटकी काली मिर्च जरूर डालनी है, क्योंकि काली मिर्च डालने से हल्दी एक्टिवेट फास्ट हो जाती है, बढ़िया काम करती है। सो इट काली मिर्च एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट फॉर द हल्दी इन द दूध, हल्दी वाला दूध। साथ में वो 1 चम्मच आपका जो टॉनिक आपने घर में बनाया कैल्शियम का, वो ले लेना है। एंड जो आपका डिनर था, वो डिनर में हम बात कर ही रहे थे कि 5 बजे के आसपास आपने डिनर कर लेना था, जिसमें कोई भी तरह का ग्रेन था जो हम बीट के अलावा ले रहे थे। खूब 1 कटोरी भर के सब्जी थी, और 1 दाल की कटोरी, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप चिकन और सैलेड, या साथ में चिकन के साथ कुछ सूप भी ले सकते हैं हफ्ते में एक बार। बहुत ज्यादा नॉन वेज नहीं खाना है, ये बहुत हेवी जो प्रोटीन्स होते हैं, या मीट हो या चिकन हो या कोई भी ऐसे प्रोटीन्स जो कि एनिमल सोर्स से आते हैं, वो गट के लिए थोड़े हेवी होते हैं कंपैरेटिवली। अब वो हेवी जो प्रोटीन है वो बॉडी पचाने में टाइम लेती है, अगर वो नहीं पचा पाती टाइम से तो वो फर्मेंट होते हैं, वो सड़ते हैं, वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। कंपैरेटिवली जो वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन्स होते हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको दालें पचती नहीं है, तो दालें आप दिन में खा लो और रात में मत खाओ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना ब्रेकफास्ट में ओट्स ना लेके आप दाल और ग्लूटेन फ्री कोई बजा जैसे बाजरे की आटे की एक रोटी खा लो, साथ में थोड़ा सा कोई वेजिटेबल्स ले लो। सो एक मील आपका जो मेजर मील है आपने वो 12 बजे के आसपास ले लिया, शाम को फिर आप दाल मत खाओ। सो लुक एट योर सेल्फ, अगर आपको शाम को दाल नहीं हजम होती तो टेक आउट दाल इन द इवनिंग एंड पुट इट देयर इन द मॉर्निंग। आपको दिन में 1 कप खानी है, बेटर होता है 9 कि आप दिन में खाओ। अगर आपने दिन में नहीं खाया तो आप शाम को खाओ, तो शाम को जो दाल है वो आपकी हल्की वाली दाल होनी चाहिए, मूंग की दाल, मसूर की दाल, धुली हुई दाल वो होनी चाहिए। हैवी राजमा छोले कड़ी नहीं होने चाहिए। राजमा छोले आप कभी कभी खा सकते हो, मना नहीं है, खाने हैं जरूर खाने हैं, लेकिन दिन के टाइम खाने हैं, रात को नहीं खाने हैं, ठीक है जी। और अगर रात में खा भी लिए तो अगले दिन गर्म करके तो बिल्कुल नहीं खाने, स्पेशली विद राजमा एंड छोले, अदरवाइज यू विल बी टू मच गैसी एंड पीपल विल यू नो आपसे सब दूर भागेंगे। तो ये आप नहीं चाहेंगे, है ना। सो कुछ चीजें जो होती हैं वो दोबारा गर्म करके बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, उसमें से राजमा और छोले आते हैं। एक चीज और, शायद आप सब जानते होंगे, मेजोरिटी आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा वाइज हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आपको पता ही होगा कि जो दालें होती हैं ना उनको भिगो के बनाना चाहिए, ऐसे ही डायरेक्ट कुकर में नहीं डालना चाहिए धो के। आप 1-2 घंटे भिगो और उसका जो पानी है वो गिरा दो और फिर बनाओ, कोशिश करो। फिर एक तो बनती जल्दी है, दूसरा क्या होता है दालों में एक फाइटिक एसिड होता है, वो फाइटिक एसिड क्या होता है, उनकी एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को होने नहीं देता है। भगवान ने उनको एक कोटिंग दी हुई है ना, तो थोड़ी देर हम पानी में रखते हैं, जैसे हम किसी पौधे को उगाना है तो हम उसको पानी में रखते हैं ना पहले,
जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है फिर उसको उगाना आसान हो जाता है। इसी तरह हमने दालें भी खानी है ना, तो रात को भिगो दो, सुबह अगर कोई दाल बनानी है बेस्ट है, नहीं तो 2 घंटे भी भिगो दिया तो भी चलेगा और फिर उसको बनाओ। तो जब भी दालें बनाओ उसमें हींग जरूर डालो, हींग से और लहसुन से जो गैस है दालों की वो कम हो जाती है, और अगर आप भिगो के बनाओगे उनकी वैसे भी गैस कम बनेगी। ओट्स को भी, अगर आपने ओट्स का चीला बनाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कुछ लोग ओट्स का चीला बनाना लाइक करते हैं, अच्छा भी है, बहुत हेल्दी भी होता है, वेजिटेबल्स डाल के आप ओट्स का चीला भी बना सकते हो अगर आपको मीठे ओट्स नहीं अच्छे लगते तो। सो इन दैट केस ओट्स को भी थोड़ा भिगोना है, ठीक है, थोड़ा सा भिगो के रखेंगे देर, आधा घंटा भी ओट्स को भिगोना काफी होता है, फिर उसका पानी गिरा के फिर आप उसको ग्राइंड करेंगे तो उसका भी फाइटिक एसिड निकल जाता है। सो नट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, नट्स को भी हम भिगो के खाते हैं, रीजन उनमें भी फाइटिक एसिड होता है। तो 5-6 घंटे हम बादाम भिगोते हैं, अखरोट भिगोते हैं, हम शिया सीड्स भिगोते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ज्यादा बढ़िया इफेक्ट देते हैं और उनकी वजह से होने वाली गर्मी बॉडी को बॉदर नहीं करती है, ठीक है जी। सो ये तो आपके कुछ जनरल टिप्स हो गए, और सोने से पहले क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं भूलना है। डिनर विनर तो हो गया, चाय भी हो गई, दूध भी हो गया, टॉनिक भी हो गया, विटामिन डी भी हो गया, अब आपका काम फिनिश 5, 5:30, 6 बजे आप खा पी के हो गए वेले, ठीक है जी। अभी नींद तो आएगी नहीं, अभी तो 5 घंटे पड़े हैं सोने में, तो आपने करना क्या है, खाना खाने के 1 घंटे बाद थोड़ी देर गपशप मार के, खलाड़ा वगैरह संभाल के, कुछ भी अपना पसंद का करने के बाद आपने वॉक के लिए जाना है दोबारा। चाहे दिन में आपने आधा घंटा करी है तो अभी फिर 15 मिनट ही चाहे करो, लेकिन करनी जरूर है, घर के बेसमेंट में ही कर लो अगर बाहर हवा है तो, थोड़ी देर वॉक करनी है 1 घंटे बाद, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ अपनी पसंदीदा हॉबी को जरूर करना है, जो आप म्यूजिक सुनते हो, आप कुछ भी क्रिएटिव अगर आप करना चाहते हो, आपने नई चीज सीखनी है, कोई क्लास ज्वाइन करनी है, नई चीज में आप कुछ भी सीख सकते हो ना, आप डांस भी सीख सकते हो सॉफ्ट वाला जो इजीली आप कर सको, आप कोई योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई कीर्तन सत्संग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई सिंगिंग की हॉबी को दोबारा रिन्यू कर सकते हो, सीख सकते हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो। तो आधा 1 घंटा जरूर आपने अपने लिए अपने शौक के लिए निकालना है, प्लीज ये जरूर करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका मन खुश होगा, और दैट्स व्हाट वी आर लिविंग फॉर। हम ये सब कुछ, इतना कुछ कमाना खाना सब कुछ करना किस लिए कर रहे हैं, अब खुश रहने के लिए कर रहे हैं ना। अगर आप खुश होंगे तो आप खुशी बांटेंगे भी, आपके अराउंड भी लोग खुश रहेंगे, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड बच्चे, आपके सारे लोग जो आपसे एसोसिएटेड हैं वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी ही दोगे, क्योंकि आप अंदर से खुश रहोगे। और खुशी जो होती है पॉजिटिव लोगों के साथ बैठने से, सत्संग करने से, पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ने से, पॉजिटिव म्यूजिक सुनने से, पॉजिटिव बातें सोचने से आती है, ठीक है। सो ये इनमें से कोई एक चीज आपने कर ली जो आपको पसंद है, चाहे म्यूजिक, चाहे योगा, चाहे कीर्तन, वो आपकी मर्जी है, वो आपने डिसाइड करना है आपने क्या करना है, ठीक है जी। फिर आपने 1 घंटा के करीब सोने से पहले आपने सेल्फ एनालिसिस या स्व आलोकन करना, मीन्स अपना एनालिसिस या अपने बारे में सोचना या चिंतन या ग्रेटिट्यूड का टाइम अपने लिए निकालना है, जिसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि आपने ईश्वर में ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के लिए चौंकड़ी बैठ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज्यादा रोशनी जला हुआ और वो डिम लाइट्स वाला कमरा नहीं चाहिए, आपके मन के अंदर शांति होनी चाहिए, है ना। सो 1 घंटा 45 मिनट्स आप ब्रीदिंग टेक्निक से शुरू करो, प्राणायाम से शुरुआत करो, फिर आप फोकस करो, फिर आप शुक्राना करो,
सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड एट एवरी एज. जो इंसान शुक्राना करता है, जो अब मैं आपको बताने वाली कौन हूँ, मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, I'm just nothing before you guys. आप लोग इतने समझदार और इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन ये छोटी सी बात तो मैंने भी देखी है कि जब हम शुक्र करते हैं भगवान का, तो भगवान हमारा स्पेशल ध्यान रखते हैं. आप उसे भगवान कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे वाहेगुरु कहें, है तो वो एक ही है ना. एंड इफ वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, इफ वी आर सेइंग ओ मेनू ए नहीं मिलिया, या मेरे ए दुख दाया, या मेरा ए तकलीफ नहीं जानती, या मेनू, सो इफ यू आर कंप्लेनिंग especially in the evening time, I think then God gets upset, or there is, you lose the link with God. आपकी complain होने से, बहुत ज़्यादा complain करने से, आपका जो connectivity, आपकी जो bonding है, वो lose होनी शुरू हो जाती है. वो नहीं होनी चाहिए, वो तो strong होनी चाहिए with age. इतनी strong होनी चाहिए कि आप उनसे बात कर सको, उनसे रिश्ता कायम कर सको, आप उनको अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई, अपने फ्रेंड, किसी भी रूप में देखो, आप उनसे बात करो, उनसे कनेक्टेड फील करो, उनका थैंक्स करो. आप देखोगे कि आपको किसी भी स्ट्रेस एंजाइटी की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपकी एंटी एंजाइटी पिल्स, आपकी एंटी डिप्रेशन छूटने लग जाएंगी. वंस यू स्टार्ट टॉकिंग एंड बी फ्रेंड विद गॉड, सुपर पावर अराउंड यू. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लिखने की हैबिट है, नहीं भी है, तो ये लिखना शुरू करो. एटलीस्ट राइट 5 गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, राइट 5 गुड थिंग्स अबाउट योर फैमिली मेंबर्स. जैसे आपके बेटे, आपका बहू, आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, नहीं भी रहते तो भी आप उनकी 5 अच्छी क्वालिटीज ढूंढो. सोचो क्या अच्छी बातें हैं जो आपको उनकी अच्छी लगती हैं. आपका बेटा बड़ा सियाना है, या आपकी बहू बड़ा अच्छा काम करती है, या आपकी पोती बड़ी प्यारी बातें करती है, व्हाटएवर मींस. वो तो आपके रिलेशंस है ना, आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके फैमिली में आपके बच्चे होंगे, आपके अराउंड जो लोग हैं ना, उसमें से किसी एक को रोज पकड़ो अपने मन में, और उसके 5 अच्छी क्वालिटीज को पेन डाउन करो, उसको लिखो. लिखने के बाद उस क्वालिटीज को उस बंदे को बताओ, शेयर करो. वेदर आपके अगर फादर हैं, या आपका बेटा है, या आपकी बेटी है, शेयर दोज गुड पॉइंट्स विद दैट पर्सन. उसको बोलो, मुझे तेरी ये 5 क्वालिटीज, 5 से 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, मिनिमम 5 चाहिए, ठीक है. आप उसको बोलो कि मुझे ये तेरी 5 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं बेटा, इसको जरूर मेंटेन रखना. आई लव यू the way you are, and I love these 5 qualities about you. Please maintain them. Kabhi aap unhe text kar do, WhatsApp kar do. Nahi hai na, aapke paas jaake bolne ka time nahi hai, ya physically milte nahi ho, dikhte nahi ho ek dusre ko. Aap text message kar do. Agar wo India mein hai, ya Pakistan mein hai, kahin bhi hai, to unko message kar do. Apni maa ko kar do. To apne jo close family ya friends hain, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपका ये जो ग्रुप है, ये आपका जो ग्रुप है, वुमेन्स ग्रुप है, आप अपनी इनकी सब लेडीज का एक एक का रोज का नंबर लगाओ, और उसकी 5 अच्छी बातों को उसको बताना शुरू करो. इससे क्या होगा, बहुत कुछ होगा. पहली चीज, आपका रिलेशन उस बंदे से और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना. वो भी, आई मीन, यू विल बी इन टीयर्स एंड ही और शी विल बी इन टीयर्स, और विल फील वेरी इमोशनल अबाउट द बॉन्डिंग. बड़ी खुशी मिलेगी दोनों को वो अच्छा पॉजिटिव मैसेज पढ़ के, है ना. कौन अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता, लेकिन उनको कभी कभी हमें बताना भी पड़ता है. वी हैव टू बी वर्बल अबाउट इट, वी शुड बी सेइंग गुड थिंग्स. अगर हम अपने दिल में रखते हैं, तो कभी कभी वो चीजें वो छोड़ भी सकते हैं, वो अपनी अच्छी क्वालिटीज खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना. तो सेकंड चीज क्या होगी ना, उससे आपको लोगों में अच्छी चीजें ढूंढने की आदत पड़ जाएगी. यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग गुड थिंग्स इन पीपल अराउंड यू. आपको हर एक में अच्छापन नजर आना शुरू हो जाएगा. आप कहोगे, ओए उसकी आंखें कितनी अच्छी हैं,
वो बोलती कितना अच्छा है, वो बैठती कितने ग्रेसफुल तरीके से है, या वो खाना कितना अच्छा बनाते हैं, या उसके हस्बैंड उसकी केयर कितनी अच्छी करते हैं. सो इट्स इन जनरल मीन्स यू विल हैव अ पॉजिटिविटी टुवर्ड्स एवरीवन, यू विल स्टार्ट लविंग पीपल अराउंड यू, राइट, मोर मोर एंड मोर यू विल स्टार्ट गिविंग. ठीक है ना, जब ये एटीट्यूड आ जाएगा मोर एंड मोर यू विल रिसीव, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन योर ग्रैंडचिल्ड्रन विल आल्सो डेवलप दिस हैबिट and they'll come to you and say, mama, I like this thing about you. Yeah, it may not reverse. Zaruri nahi hai ki aisa hamesha ho ki log aapko reciprocate karein ki. Don't expect. If you start expecting, again, disappointment cycle will start. Just give away, do good thing, forget about it, and start forgiving people. Ye jo aapki age hai, क्योंकि ये समझदारी की एज है, ये माफ करने की एज है ना, ये वो एज है जब आपने किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखने हैं, किसी को भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना कभी भी, किसी के लिए ये नहीं कहना कि ओ नी चंगी मैं ओदे नाल नी रिलेशन रखने, है ना. अब अपनी जिंदगी की गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो रही है, थोड़ा रुक के भी चल रही है, अब नई गाड़ी में जाने का टाइम आ रहा है. इस फैक्ट को हमने बड़े प्यार से एक्सेप्ट करना है. अब क्योंकि नई गाड़ी में आने का टाइम हो गया है या आने वाला है, तो जो पुरानी गाड़ी में बैठी हुई सवारियां थी, जो आपके साथ आपकी पूरी जर्नी में रही थी, उनका शुक्रिया अदा भी टाइम टू टाइम करना है. And we have to be ultimately be thankful to each and everyone in our life who made us so beautiful, so happy, so rich, so prosperous in terms of emotional health. है ना? So अगर आपकी emotional health अच्छी है ना, दुनिया की कोई बीमारी नहीं टिकने वाली. बड़ी सी बड़ी बीमारी का आप नाम ले लो, कहीं नहीं टिकने वाली आपके सामने. Diet, खाना पीना, ये बहुत सेकेंडरी चीजें हैं, हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने दिमाग को क्या खिलाते हैं. What food do we feed to our mind? Right? So if we are feeding with positive emotions, positive thinking, तो आपका जो वो इमोशनल फूड है वो भी डाइजेस्ट होके आपको मेंटल गुड हेल्थ ही देता है. सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन ऑन माय पार्ट, एंड आई विल होप दैट इफ एनी वन ऑफ यू इज एबल टू डू फ्यू थिंग्स और इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स और एटीट्यूड इन योर लाइफ, इट विल बी सो ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग. I know aging itself is a graceful process because it is something given by God. जो भगवान ने ये चीज बनाई है, तो ये खुद ही graceful चीज है ही, है ना, इसमें कुछ खराब है ही नहीं. लेकिन उसका शुक्राना करके अगर हमारी aging होगी तो वो और भी खूबसूरत होगी. Right? These words, thank you very much. Thank you. गायत्री जी, बहुत शुक्रिया दोबारा आने का हमारे प्रोग्राम में, और दिल चाहता था आपको सुनते जाएं. इतने प्यार से आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बाद मैं सबके क्वेश्चन ले लू. चीला किसे कहते हैं? चीला इज लाइक डोसा. जब हम कंसिस्टेंसी किसी चीज की लूज रखते हैं और उसको तवे पे मींस कास्ट आयरन पैन पे थोड़े से ऑयल के साथ ऐसे फैला देते हैं ना कड़छी से, चिल्ला होता है. पूड़ा, हाँ, पंजाबी में पूड़ा भी कहते. मुझे तो वो चिल्ला काटने का पता है ना, तो मैंने कहा चीला. नहीं नहीं, पूड़ा पूड़े जैसे बना लेना, जैसे ऑमलेट बनाते हैं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. पैनकेक कह लो, ऑमलेट कह लो, डोसा कह लो, चीला कह लो, उत्तपम कह लो, एक ही बात. तू तो बैठ जाना सी सारी रात. We have to grind the oats.
हाँ जी, हम ओट्स को ना भिगो देते हैं आधा घंटा, ठीक है, फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं। उसमें हम अपने हिसाब से आप वेजिटेबल्स डाल लो, प्याज डाल लो, थोड़ी हरी मिर्च, धनिया, आप कुछ गाजर भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। नहीं डालना तो सिंपल ओट्स का आप बनाओ, बहुत अच्छा बनता है। सूजी का ठीक है। सूजी भी ठीक है क्योंकि सूजी लाइट है। हालांकि सूजी गेहूं में से ही निकली है, लेकिन सूजी में मैदा नहीं है ना, मैदा पार्ट नहीं है, तो इट्स इक्वली गुड। बेसन का दही, भी, बेसन का बन बैटर में जाता है। दही मिला सकते हैं? दही भी मिला सकते हैं, नॉट ऑलवेज, लेकिन मिला सकते हैं बैटर में। आज हमने बाजरे का चीला बनाया हमारे घर में, सो आई मीन आई मेक इट वेरी ऑफ्टन, इट्स वेरी हेल्दी। बहुत सिंपल रेसिपी है उसकी, आई थिंक आप लोग भी बनाते होंगे तो आप उसमें। बता दीजिए हमें रेसिपी प्लीज। हाँ, श्योर। एंड जैसे हमारी 4 लोगों की फैमिली है, सो आई टुक 1 कप बाजरा, बाजरा सीड्स, ठीक है, और जो बाकी दालें ली, जैसे चने की दाल ली हाफ कप, हाफ कप मूंग मसूर की दाल ले ली, और हाफ कप अरहर की दाल ले ली। इन सबको रात को भिगो दिया, अच्छी तरह साफ करके फिर भिगो दिया। एंड देन सुबह ग्राइंडर में डाल के मैंने बहुत सारे करी पत्ते डाले। करी पत्ता वी यूज अ लॉट, ऑल्दो साउथ इंडियंस का ये बहुत ही मैजिकल हर्ब है, इसमें बहुत आयरन और फोलिक एसिड होता है, सो आई यूज इट अ लॉट, तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं। सो उसको हम फ्रीज कर लेते हैं, बिकॉज फ्रीज करने से उसकी एरोमा बनी रहती है, ठीक है। करी पत्ते डाले, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी जीरा, और थोड़ा हींग जरूर डालना इस रेसिपी में, क्योंकि दालें हैं ना सारी की सारी। वो डाल के, नमक डाल के अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 गिलास पानी डाल के ग्राइंड कर दिया, और वो बैटर बन गया। बनने के बाद फिर उसमें मैंने वेजिटेबल्स डाल दी, और ज्यादा प्याज डाल दिए, एंड देन शिमला मिर्च बारीक डाल सकते हैं, गाजर ग्राइंड करके डाल दी चॉप करके, और दैट्स ऑल, बस उसी का हमने चीला बना लिया। इट वाज एक्सट्रीमली यमी एंड वेरी हेल्दी, ग्लूटेन फ्री, वीगन, डेयरी फ्री, कुछ भी कह दो आप, बड़े बड़े आटा नाम दे दो। नहीं यूज कर सकते? हाँ जी, बाजरे का आटा नहीं यूज कर सकते? नहीं, ये पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें हम होल ग्रेन्स यूज करें, क्योंकि वो पॉलिश नहीं है, प्रोसेस्ड नहीं है, एक स्टेप कम हो गया ना। आपने भिगोया, उसका फाइटिक एसिड निकाल दिया धो के, और फिर आपने उसको खुद ही ग्राइंड कर लिया मिक्सी में, तो वो ज्यादा अच्छा है। आटा यूज करो रोटी बनाने के लिए, चीले के लिए नहीं। थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। जैसे मिसल पाव हो गया ना, मिसल पाव बनाते हैं ना महाराष्ट्रियंस, वो बहुत अच्छा, सारे ग्रेन्स डालते हैं, बड़ा अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है। बहुत हेल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन है, हींग तो हम भून के डालते हैं ना हर एक चीज में। नहीं, जरूरी नहीं है, अब इस केस में हम भूल नहीं सकते थे, तो हमने ऐसे ही डाल दी, क्योंकि जब वो तवे पे आएगी तो उसने तो सिक जाना है। ओके। हाँ जी, मेरा एक मीट के संबंध में क्वेश्चन है, मीट से रिलेटेड, रेड मीट वर्सेस व्हाइट मीट, और हाँ श्योर मीट ड्यूरिंग डे टाइम और एट नाइट। श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन। सो रेड मीट और व्हाइट मीट में ये डिफरेंस है कि रेड मीट की तासीर गर्म होती है, ठीक है, और रेड मीट कंपैरेटिवली ज्यादा हैवी होता है। व्हाइट मीट में आता है हमारा चिकन, टर्की एंड लाइटर एनिमल्स, जो कि ज्यादा स्विफ्ट हैं, ज्यादा भागते दौड़ते एनिमल्स हैं, है ना। अब जो ओके एनिमल हैवी है, जो एनिमल हैवी है उसका मीट भी हैवी है, उससे बॉडी में हैवीनेस आएगी, इसलिए कंपैरेटिवली इस एज में आके जो हैवी मीट्स हैं उसको कम यूज करना चाहिए, और अगर करना भी है तो सिर्फ डे टाइम में करना चाहिए, रात में बिल्कुल नहीं, ठीक है। डे टाइम में फिर भी हमारी डाइजेशन बेटर होती है, यहाँ लोग उल्टा करते हैं, यहाँ रात में लोग चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, और सबसे गलत पता क्या करते हैं, जो वेस्ट में परंपरा है, जब वो बारबेक्यू करते हैं या पार्टी में जाते हैं, फिश भी आ रही है जी, चिकन भी आ रहा है जी, मीट भी आ रहा है जी, सारा कुछ एक प्लेट में, यू आर हैविंग 3 एनिमल्स इन 1 प्लेट, राइट, विच इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, 100% रॉन्ग। नेवर मिक्स 2 एनिमल प्रोटीन्स इन 1 मील, यानी कि
एनिमल सोर्स में आपकी दही और दूध भी आ गया। अगर आप फिश खा रहे हो आप सिर्फ फिश खाओ, चिकन खा रहे हो सिर्फ चिकन खाओ, फिर फिश ना खाओ उस दिन, उस डिश में मत खाओ, ठीक है ना। अगर आप रेड मीट ले चुके हो अपनी प्लेट में, देन डोंट लुक एट एनी अदर मीट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन करते हैं और फिर वो कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं, कैंसर कॉजिंग, एलर्जी कॉजिंग, स्किन डिजीज कॉजिंग, क्रॉनिक डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिजीजेस डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर कहते हैं हमने तो कुछ गलत खाते ही नहीं थे, तो ये तरीका गलत था जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ मीट से था। ओके, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हां जी बताइए जी उस्मान। मदन अंकल वाज द नेक्स्ट। ओके, मैं एक्चुअली फोन पे हूं ना तो मुझे फुल स्क्रीन नहीं नजर आ रहा। हां जी डॉक्टर साहब, यू डिड वेरी वंडरफुल जॉब एंड वेरी आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। सिंपल क्वेश्चंस हैं डॉक्टर जी, आपने कहा था कि ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। अब मेरे को क्या है, मैं सीरियल खाता हूँ, उसमें जो फ्रिज में दूध था वही उसको नहीं उसको डालता हूँ, लेकिन वो मोस्टली मेरे जो सीरियल है ऐसे मोस्टली लाइक इफ आई से आउट ऑफ 30 डेज 27 डेज विल बी वीटाबिक्स और वो क्या है श्रेडेड वीट विच इज वो फाइबर वाले हैं, और उसमें साथ में मैं ब्लूबेरी डालता हूँ, फ्रेश ब्लूबेरी, ठीक है, और साथ में कभी कभी योगर्ट भी डाल देता हूँ। No, wrong. Totally okay, that's wrong. Okay. No, wrong. Never mix, I would not advise cold milk for any cereal. I would say कि आप अगर आप ऑर्गेनिक मिल्क यूज कर रहे हैं और वो ऑर्गेनिक नहीं है, रेगुलर मिल्क है, आप कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक मिल्क लीजिए, और मिल्क में भी परसेंटेज वाइज फैट कम हो, 1% नहीं 1% पे आ जाइए, अब आप 1% पे आ जाइए, ठीक है। सो 1% फैट वाला ऑर्गेनिक मिल्क लेके आइए और उसको थोड़ा सा कोसा कर लीजिए गैस पे, पहले गुनगुना करके फिर आप मिल्क में डालिए, उसमें योगर्ट नहीं डालें। हाँ जी, योगर्ट नहीं डालें, योगर्ट नहीं डालना, फ्रूट्स भी नहीं डालते हैं दूध के साथ। क्या नहीं डालते? फ्रूट्स नहीं डालते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो भिगोए हुए, जैसे कि आप किशमिश डाल सकते हैं, रेजिन्स, आप फिग्स डाल सकते हैं रात के भिगोए हुए, अंजीर, आप बादाम रात के भिगोए हुए डाल सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेश फ्रूट्स में ब्लूबेरीज आर स्टिल ओके, लेकिन कोई और फ्रूट ज्यादा नहीं डालना। नॉर्मली आई यूज ब्लूबेरी नॉर्मली, दैट्स ओके, दैट्स ओके, क्योंकि ऐसा मैंने देखा था कि दे शोइंग इट सीरियल के साथ ब्लूबेरी योगर्ट और मिल्क डाल के खाने का। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बहुत सारी चीजें इसमें से रॉन्ग है, दही नहीं मिलाना। दूसरा आपने कहा था दूसरे ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखें रात को। हाँ जी, वॉलनट शुड बी वॉलनट्स एज वेल। हाँ हाँ, वॉलनट्स भी भिगो दो। ओह अच्छा, भिगो दो, सब भिगो दो। आई नेवर डिड दैट, आई डिड अदर थिंग्स बट नॉट द वॉलनट्स। यू कैन डू दैट आल्सो। और आपने कुछ बताया, लेकिन फिग्स और रेजिन्स का पानी फेंकना नहीं है, तो फिग्स और रेजिन्स जो मीठे वाले होते हैं उनको अलग कटोरी में भिगो, बादाम अखरोट अलग कटोरी में भिगो, बादाम अखरोट का पानी फेंक दो और छिलका उतार दो बादाम का, लेकिन फिग्स एंड रेजिन्स का पानी फेंकना नहीं है, उसको आप अपने ओट्स वाले सीरियल में, या मैं वाटर फेंकता हूँ इसलिए जब वो वॉश करते हो वो गंदे होते हैं कई दफा, जो हम पहले वॉश कर लेना है, पहले वॉश कर लेना है। अच्छा, फिर दो तीन बार वॉश करके फिर भिगोना है। आओ, ओके ओके, दैट्स द टेक्निकल पॉइंट। या ओके, और भिगोने के बाद मुनक्का रात को भिगोया, फिक्स भिगो दिए, रेजिन्स भिगो दिए, तो वो पानी में उनका असर आ जाता है, वो पानी बड़ा काम का होता है। तो आई डू द सेम थिंग, पहले मैं आलमंड को भी वॉश कर लेता हूँ फिर भिगोता हूँ, लेकिन नॉट दैट रेजिन को नहीं था, रेजिन्स भी धो के फिर भिगोने और पानी नहीं फेंकना। थैंक यू वेरी मच, ये सिंपल क्वेश्चन थे। थैंक यू। एक और मेरी बात है, वो ये है कि मैं लेट सोता हूँ। नो, सुबह 8-9 बजे उठता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इसको और इम्प्रोवाइज कर लें, अगर धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा आई नो, लेकिन अगर आप नेचर क्लॉक को इतना रिस्पेक्ट करेंगे उतना अच्छा, और आप इतने स्मार्ट हैं और स्मार्ट हो जाएंगे।
नहीं थैंक यू, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है. That's good. Total नींद. थोड़ा सा और जल्दी सो जाओ. चलिए, I will do that. Thank you very much yeah. आपका. आई नो डॉक्टर गायत्री, आपने बोला था कि मैं 5:30 चली जाऊंगी, पर आप देखो कितने सारे हैंड्स रेस्ड हैं. मैं फटाफट अपने क्वेश्चंस आप लीजिए हफ्सा. ओके, गुड इवनिंग डॉक्टर साहबा. मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली. एक तो कुछ सेशन से रिलेटेड एक दो बातें मैं सही सुन नहीं पाई थी. जो दालें भिगोते हैं हम, रात को भिगोएं या सुबह 2 घंटे भिगोएं, उसका पानी फेंक देना. हाँ, फेंक देना पानी. बिल्कुल. फेंक देना. हाँ, पानी फेंक देना, फिर फ्रेश पानी में पकाना फिर उनको. ओके ओके, एक बात होगी. और दूसरी ये बात है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और मेरा आयरन बहुत लो है. करी पत्ता खाओ जी, खूब करी पत्ता. 15 पत्तों का इकट्ठे काढ़ा बना के पीना शुरू कर दो करी पत्ते का. ओके, आयरन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा. और सप्लीमेंट में ले रही हूँ क्योंकि लो आया था, रिसेंटली रिजल्ट था. ठीक है, मैं वो भी कर लेती हूँ. उससे क्या होता है कि मुझे कब्ज हो जाती है. आंवला लो साथ में. ठीक है, आंवला कैसे लेंगे? सबसे अच्छा है आंवला, बालों के लिए सबसे अमृत है. आंवले का पाउडर मिलता है ग्रोसरी स्टोर पे, 1 चम्मच सुबह शाम वो खा लो. ठीक है, आंवले का रस निकाल लो, फ्रेश आंवले का अचार बना के फ्रिज में रख लो 3-4 दिन के लिए, वो खा लो. तो आंवले का इंटेक जितना बढ़ाओगे बाल उतने ठीक रहेंगे. ओके ओके. नहीं, ये जो हमें कब्ज हो जाती है उसका उसके लिए भी आंवला काम करेगा. आंवला पाउडर, आंवला लेते फ्रेश आंवला ही लेना है हमने. सूखा भी ले सकते हो, पाउडर ले सकते हो, 1 चम्मच सुबह शाम पाउडर ले लो. और कड़ी पत्ते का हमने पानी पीना है. हाँ, पानी पी. तो कितने गिलास में हमने पत्ते डालने? लगभग 1 गिलास पानी में 15 पत्ते डाल लो, आधा गिलास होने तक पका लो और फिर इसको पी लो. अच्छा, पका कर पीना है. हाँ जी, हाँ जी. ओके ओके. मुझे थायराइड भी है तो इन चीजों का उस पे तो कोई असर नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं. ओके, थैंक यू सो मच. हाँ जी मैम. गुलनाज जी, गायत्री जी, मैंने आपने भी वो चेला की रेसिपी बताई है, तो वो मैं रिपीट करना चाह रही हूँ आपके साथ कि आपने 1 कप ओट का है. ओट्स भी ले सकते हो, बाजरा भी ले सकते हो. आई टुक बाजरा. सो ओके, बाजरा बाजरा okay, बाकी की जो दालें है ना सारी, वो हाफ हाफ कप है. 3 दालें बताई ना आपने, उड़द हाँ की, मूंगी मसूर. हाँ जी. और इनको रात को भिगो के और इनका पानी फेंक देना है. फिर बिल्कुल फेंक देना, और फिर फ्रेश पानी में इसको ग्राइंड करके, मतलब इजी डाइजेशन वाली चीज बनाना. इसको डोसे की तरह ही उस पे बनाना है. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, थोड़ा मोटा बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा. अच्छा, रोटी की तरह बन जाएगा, आमलेट हाँ. की तरह. और इसमें मसाले हाँ. कौन कौन से हम डाल सकते हैं? कुछ भी डाल लो आप, जीरा डालो, अदरक डालो, हरी मिर्च डालो, करी पत्ता डालो, हींग डालो, ये डालो. हींग और अदरक इज द सेम? अगर मैं हींग ना लूं, अदरक ले लूं? नहीं, हींग जो है गैस खत्म करती है दालों की वजह से, और अदरक डाइजेशन को थोड़ा इजी बनाती है. दोनों डालने. ओके ओके, थैंक यू सो मच. अंशु, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन. बहुत सारी चीजें आपने बताई है, और once again thanks a lot. I have 2 questions. जो आपने पाउडर बनाने के लिए बोला, the calcium intake वाला ना, sesame, मखाने, poppy and almonds वाला, if I am vegan तो मैं क्या पानी में ले सकती हूँ उसको? हाँ, पानी में ले लो, कोकोनट वाटर के साथ ले लो, बहुत अच्छा रहेगा. फिर वो गर्म तो नहीं कर सकते? नहीं, कोकोनट वाटर तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होगा. Okay. उसके साथ भी ले सकते हो, अदरवाइज पानी के साथ भी ले सकते हो, काम करेगा ही करेगा. ओके ओके. एंड एसिडिटी के लिए कोई रेमेडी? आमला, अगेन आमला. अच्छा. और ये जो मैंने पानी बताया सारा दिन पीने के लिए, सौंफ, जीरे, धनिया वाला, दैट इज आल्सो अमेजिंग फॉर एसिडिटी. दैट इज आल्सो गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन टू? नॉट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि त्रिफला ले सकते हो रात को 1 चम्मच, या फ्लैक्स सीड्स लेके उसको तवे पे रोस्ट कर लो, 1 चम्मच लेके तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लो, और वो
क्या होता है वो, कुंडी डंडा में थोड़ा सा कुट के एक चम्मच गर्म पानी के साथ ले लो, उससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है. सो देयर आर सो मेनी गुड रेमेडीज. ओके एंड प्रूंस ले सकते हो, प्रूंस भी अच्छे होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए. एक ये जिंजर टी इज ओके फॉर एसिडिटी? नो, नॉट फॉर एसिडिटी. ओके सो वो तो बढ़ा भी सकती है. सो फॉर एसिडिटी आप फिर गर्म पानी में सुबह आंवला पाउडर ले लो, आप जिंजर मत डालो, गर्म गर्म पानी ले लो और उसमें एक चम्मच आंवला पाउडर घोल के पी जाओ. ओके एंड लास्ट क्वेश्चन, चिया सीड्स कैन बी ड्राई रोस्ट देम? उतना काम नहीं करेंगे, रात को भिगो फिर देखो, एक्सीलेंट रिजल्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन. इफ यू सोक देम एंड देन टेक देम इन द मॉर्निंग देन दे आर बेटर. ओके या सुबह भिगो दो रात को ले लो. ओके मच बेटर. थैंक यू सो मच. वेलकम गायत्री जी. सॉरी एक छोटी सी बात, आपने अभी बताया था कि वो कड़ी पत्ता उसमें पानी में डाल के, तो हम लोग जो आपने सुबह की टी बताई है उसमें कड़ी पत्ता डाल सकते हैं? हाँ उसमें भी डाल सकते हो, डाल सकते हो. ओके ओके इजी हो जाएगा. या ठीक है वरिंदर जी. थैंक यू सो मच फॉर द सेशन एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क, अर्थराइटिस के लिए शलाकी अच्छी? वेरी गुड, यस इट्स रियली गुड. सो शलाकी बेसिकली इट्स जो ग्लूकोसामाइन टैबलेट्स मिलती है ना आपकी मार्केट में, तो शलाकी एक प्लांट होता है उसमें से ही बनती है वो. शलाकी इज द मदर प्लांट जिससे ग्लूकोसामाइन डिराइव होता है. अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तब तो काम करेगा, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है फिर शलाकी काम नहीं करेगी. It's in, I have pain in the knees, so arthritis is... Then shalaki is really good. Then you should take at least one in the morning and one in the evening along with haldi capsules. Along with haldi capsules. And can we take lactose-free milk? Yeah, that's a good idea too. Agar lactose se botheration ho rahi hai, toh lactose-free milk bhi achha kaam karta hai. Yeah, aapko uska protein content mil jata hai aur aap gassy substance ko nikal dete ho, toh theek hai. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. You're so beautiful. Oh, thank you. Your eyes are beautiful. Thank you. Thank you. Aur koi hai? Kisi ka koi aur question? Chalaki ka bataya, ye kya, isko Urdu mein kya kehte hain? Urdu mein pata nahi mujhe. Ye Sanskrit naam hai, Chalaki. Aur yehi kehte hain, is naam se hi market mein milta hai. गूगल कर लेना. इंग्लिश में इंग्लिश में बोसवेलिया कहते हैं. बोसवेलिया से रहता है, दैट इज द नेम ऑफ द प्लांट बोसवेलिया. एंड शलाकी संस्कृत नाम है और ग्लूकोसामाइन इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम शलाकी. ठीक है जी. अगर वो नहीं मिल रहा तो एक काम कर सकते हो आप, कॉस्को में ग्लूकोसामाइन का सिरप एक ड्रिंक मिलता है, एक लिक्विड ग्लूकोसामाइन मिलता है, इट्स रियली गुड. ठीक है, अगर आपको शलाकी के कैप्सूल्स लेने हैं तो हमारे पास भी मिलते हैं. कड़ी पत्ते एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स भी हमारे पास मिलते हैं फॉर हेयर ग्रोथ. सो वी हैव मोर देन 200 सप्लीमेंट्स ऑफ आवर ओन गायत्री आयुर्वेदा कंपनी में से. अगर आपको कोई पर्सनल हेल्थ इश्यू है, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, आप फोन करके अपॉइंटमेंट बना के कंसल्टेशन ले सकते हो. एंड देन वी कैन हेल्प यू विद 100% नेचुरल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स. All the products are 100% vegetarian and they are tested by Health Canada and approved by Health Canada. So that also, in that respect also, I can help you. Agar aapko koi cheez chahiye to. Definitely. Thank you so much. We are waiting to khule and we come for panchkarma. हाँ जी जरूर, हमारे पास वो भी सर्विसेज हैं. मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों सेंटर रन करते हैं. माय हस्बैंड्स नेम इज डॉक्टर कमलेश फकालिया. So we have staff with us. हमारे पास RMTs भी हैं और non-RMT staff भी है. तो सब तरह का पंचकर्म के जितने procedures हैं आप हमारी website में detail में देखिए, gayatriayurveda.ca पे जाके. So you will see कि बहुत तरह की therapies हैं, जिसको गोड्डे का दर्द है उसकी different है, जिसको shoulder pain है उसकी different है, जिसको anxiety है उसके लिए शिरोधारा है, तरह तरह की massages हैं, weight loss करने का package है. तो वो बहुत सारा पंचकर्मा तरह तरह के प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग करते हैं थेरेपीज में. We are waiting actually. Let's hope after 9th we open up. Oh. That's it.
गायत्री जी आप लाइव जा रही हैं तो एक दफा अपना नंबर और दोबारा से अपनी शेयर कर दीजिए अपने वेबसाइट. या श्योर. सो माय नंबर इज 905-872-1851 एंड हिंदी पंजाबी इट्स 905-872-1851. ठीक है जी. सो दिस इज द फोन नंबर एंड द वेबसाइट इज www.gayatriayurveda.ca GAYATRI Ayurveda in the same run AYURVEDA.ca. So this website phone number dobara bataiye 905 872 1851. हाँ जी हाँ जी. एड्रेस कहाँ है ये? एड्रेस हमारा ब्रैम्पटन में है, स्टील्स एंड रदरफोर्ड के इंटरसेक्शन पे. अच्छा. जो पुराना ब्रैम्पटन का कॉस्को है. स्टील एंड रदरफोर्ड. अच्छा, स्टील एंड रदरफोर्ड. ओके ओके. हां, द कंप्लीट एड्रेस इज 350 रदरफोर्ड रोड साउथ. चलो तो फोन पे दोबारा पूछ लेंगे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ, और कोई खाने पीने की चीज कोई ऐसी नहीं बताई जिससे थोड़ा सा खाए पिए तो कोई खुशी जी आ जाए? खुशी जी आज कोई ऐसी चीज नहीं बताई आपने. कैसी खुशी चाहते हो सर आप, ये बताओ. कैसी की कैसी हो, दिल खुश हो जाए. दिल खुश हो जाए. थोड़ा खाने से, थोड़ा खाने से थोड़ा. अच्छा ठीक है. अच्छा, हैवी नहीं. कोई नहीं, अगली अगली बारी थोड़ी और रेसिपीज लेके आऊंगी. एक्चुअली ये चीला जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत टेस्टी बनता है. आपने चिल्ला बना के देखना जो मैंने बताया. इट्स रियली टेस्टी एंड हेल्दी और थोड़ा सा भी खाओगे तो मजा आएगा. हंसने की बात है, वन वन लेग वन एग वन पैग. आई न्यू यू वांटेड टू से दैट. आई न्यू यू वांटेड मी टू टेल दैट. ऐसी खुराक दोस्तों जो खुशी जी चढ़ जाए. नहीं नहीं, मैं समझ गई. इसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता सर जी. ठीक है, थोड़ा सा अब उससे, थोड़ा अब उससे ऊपर उठना है. नहीं, बहुत खुशी हुई है, बहुत ही है. ये तो हमारी आदत है. नहीं नहीं, इट्स नाइस, इट्स वेरी गुड. आई लाइक इट. हंसवे मना, खेत भी मना, इस जगह तेरी उमा करे फिर भी मना. हाँ जी, नहीं बहुत जरूरी है, आप जैसे लोग तो जरूरी हैं इस ग्रुप में. बहुत अच्छा लग गया, बहुत ही अच्छा लग गया. थैंक यू जी, थैंक यू. थैंक यू मैत्री जी. आप कहते हैं कड़ी पत्ता की फॉर द हेयर. हाँ जी. लूजिंग हेयर. कड़ी पत्ते की कैप्सूल्स आपके पास है? हाँ जी हाँ जी है. अच्छा, सो वो कड़ी पत्ता भी जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, जो नॉर्मली यहाँ नहीं मिलता है, जो एक्चुअल होता है, उसका एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स है हर्बो आयरन के नाम से. वो आयरन भी बढ़ा देता है ब्लड में. जिनका आयरन किसी और सप्लीमेंट से नहीं बढ़ रहा है या कब्जी हो रही है बाकी आयरन से, तो वो आयरन भी बढ़ा देगा और बाल भी बचा लेगा. जब हम जाए तभी ला सकते हैं आपके दुकान में? नहीं, हम शिप भी कर सकते हैं. शिपिंग इज आल्सो पॉसिबल. आप फोन करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, सो वी कैन शिप दैट आल्सो. सो वन मोर क्वेश्चन सर, डस करी पत्ता इफेक्ट विद ब्लड थिनर्स? नो नो, अर्जुना एंड हल्दी डू, बट करी पत्ता डज नॉट. करी पत्ता एंड शिलाकी आल्सो इज गुड. Yes, safe. Shala ki overdose lene se kabhi kabhi constipation hoti hai. But then you can take flax seeds to counter it. Shala ki doesn't interfere with blood thinners. Flax seed counters with blood thinners. Yes. No, flax seed, you are asking about? Blood thinners. Nahin, chalega. Flax seed bhi le sakte ho. Le sakte ho. ले सकते हो. ब्लड थिनर्स के साथ क्या नहीं लेना ज्यादा, बहुत ज्यादा हल्दी के कैप्सूल्स या हल्दी के एक्सट्रैक्ट नहीं लेने. और अगर आप जिंजर भी बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं लेना. और अर्जुना के जो कैप्सूल्स होते हैं, अगर आप अर्जुन ले रहे हो तो हार्ट हेल्थ इतनी अच्छी कि आपको ब्लड थिनर नहीं चाहिए. कड़ी पत्ता फ्रेश ले लें या ड्राई भी यूज कर सकते हैं?
फ्रेश ज्यादा अच्छा होगा। फ्रीज कर लिया करो, फ्रीज करके फिर वो बचा रह जाता है, नहीं तो वो दो दिन में खराब हो जाता है। ओके ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।